हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे, जनरल साइंस सुबह 9 बजे, मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे, रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे, मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूँ आरआरबी एएलपी ग्रुप डी और टेक्नीशियन के लिए स्पेशल जनरल साइंस के लाइव सेशंस लेकर। और जैसा कि जानते हैं सुबह 9 बजे अर्ली मॉर्निंग ये जो हमारी क्लास है ये जनरल साइंस की होती है, जिसमें पहले की 40 क्लास, आज 41 क्लास है। इससे पहले की जो 40 क्लास है उनमें हमने फिजिक्स कंप्लीट कर ली है अच्छे से, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाली बात है अब वो आती है कि सब कुछ मैं करूंगा तो आप क्या करोगे। अभी जो भी क्वेश्चंस आपके पास जो भी बुक है वो करते रहिए, मेरा काम मुझे पता है, थोड़ा सा समय मिलेगा मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो भी लाता रहूंगा, उसके परेशानी मत करो। मैं फिर से कह दे रहा हूं ये पूरा सेशन हो जाने दो, जितनी भी क्लास है 100 सवा 100, मतलब 100 और 150 जितनी भी क्लास होती है आपके पेपर तक, आप पेपर दोगे सबसे बेस्ट तरीके से, बस भरोसा रखकर चलते रहो, क्योंकि गलत नहीं पढ़ाया जा रहा है आपको। एक दो चीजें कहीं गलत हो जाती हैं गलती से, जल्दबाजी में या कह लो दिमाग में इधर उधर की चीजें रहती हैं तो क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश की जा रही है 99% चीजें सही देने की। और भरोसा रखो चीजें आप तक, उनका फर्क भी पड़ेगा, उनका आपको काम में भी आएंगी वो सारी की सारी चीजें, एग्जाम में भी आएंगी। तो आज की जो हमारी पहली क्लास है वो 41 क्लास है, आज हमारी केमिस्ट्री शुरू हो रही है। जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा, केमिस्ट्री जिसे हिंदी में रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र कहते हैं, ठीक है। मींस स्टार्ट करने का, केमिस्ट्री को स्टार्ट करने का मेरा अपने थ्योरी है। मैं क्योंकि हमने कुछ जो केमिस्ट्री थी वो हमने फिजिक्स में भी पढ़ी है, कुछ आइसोटोप की बात की थी हमने, आइसोबार की बात की थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात की थी, परमाणु एटम के स्ट्रक्चर की बात की थी, तो हमें थोड़े थोड़ी चीजें समझ में आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना हम फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री खत्म कर लें, 10 से 15 लेक्चर, अराउंड 55वीं क्लास होगी वहां तक रसायन विज्ञान कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, देखो रसायन में और फिजिक्स में अंतर क्या है। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये मेरे हाथ में क्या है, कागज, मैंने इसको आंखों से देखा, मेरे चारों तरफ हवा है, हवा चली मुझे महसूस हुई, ये दीवार है मैंने इसको टच किया, ये देखा यार ये ठोस है, पानी देखा यार ये लिक्विड है, मतलब जिन्हें मैं आंखों से इंद्रियों से महसूस कर सकता हूं, सेंस ऑर्गन से महसूस कर सकता हूं। मैंने कहा यार वो फिजिकल चीजें होती हैं, भौतिक चीजें होती हैं। अब मैंने कोई चीज उठा के इधर रख दी, इसे उठा के इधर रख दिया, मतलब जब मैंने फोर्स मोशन काइनेटिक एनर्जी वर्क इन सब की बात की, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की बात की, तो मैंने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, फिजिक्स। जब मैंने ये देखा कि अच्छा यार ये लिक्विड है यार ये सॉलिड है, इन दोनों में ये लिक्विड कैसे हुआ पानी, ये सॉलिड कैसे हुआ, क्या खासियत है, किस वजह से ये एक, जैसे मान लो ये पानी अभी बोतल में है तो बोतल की शेप ले ली, बोतल की आकृति ले ली, मान लो इसको मैं इस कप में कर देता हूं तो ये कप की आकृति ले लेगा, मान लो मैं इसे छोटी सी बोतल में कर देता हूं तो हो सकता है कि इस बोतल को पूरी भर दे। बोला यार अजीब बात है कि किसी में पानी आधा रह जा रहा है, किसी बोतल को पूरी भर दे रहा है, जबकि अगर मैं इस डस्टर की बात करूं तो डस्टर जैसे अभी है ऐसे का ऐसे हमेशा रहेगा। बोला यार कुछ तो दिक्कत है। तो जब मैंने इनकी बनावट पढ़नी स्टार्ट की, जब मैंने इनका स्ट्रक्चर, इनका कंपोजिशन, इनकी अंदर इंटरनल चीजों के पढ़ने की बात शुरू की कि इन ये जिससे बने हैं उनका अंदरूनी स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, तो मैंने जाना कि क्या पढ़ा मैंने, केमिस्ट्री। मैंने जाना कि चलो एक इनका स्ट्रक्चर जाना, स्ट्रक्चर के बाद में इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने की कोशिश की, इनकी विशेषताएं जानी, इनके अंदर की कैसे पानी आग पे असर कैसे करेगा, पानी में कौन सी चीज घुल सकती है कौन सी चीज नहीं घुल सकती, तो मैंने जाना वो सारी चीजें किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। बेसिक से शुरू कर रहा हूं, समय दीजिएगा, आपके तरीके से नहीं चलूंगा भागम भाग, और ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो समझ में ना आए, जैसा मुझे आता है वैसे ही कोशिश करूंगा। तो देखो सबसे पहले बात आती है, जिसने केमिस्ट्री को एक सही ढंग में, व्यवस्थित ढंग में पढ़ाने की कोशिश की वो थे जिन्हें हम फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं या केमिस्ट्री के जनक, लेवोइसियर। क्या थे उनका नाम, लेवोइसियर, फ्रांस के पेरिस के रहने वाले थे,
आपको याद हो तो इनका जन्म हुआ था 1743 से 1794, मतलब कहने का मतलब कि इस समय जिस समय ये अपने पूरे उत्थान पे थे उस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था। ये अरिस्टोक्रेटिक फैमिली के थे, मतलब राजशाही को बढ़ावा देना चाहते थे। और जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो इन पे कई सारे चोरी के, मतलब भ्रष्टाचार के, करप्शन के इल्जाम लगे। और उस समय फ्रांस की क्रांति में एक बहुत फेमस चीज निकल के आई थी जिसे कहा जाता था गुलोटीन। गुलोटीन का क्या मतलब होता था कि एक मशीन होती थी जिसमें सिर को ऐसे रखते थे और वो मशीन को ऐसे हत्थे से चलाते थे तो उसमें एक ब्लेड लगा होता था, ब्लेड गर्दन काट के ले जाता था। तो उस समय जो भी विरोधी होते थे, जैकोबियन, जिन्होंने फ्रेंच क्रांति की शुरुआत की थी, फ्रेंच क्रांति लेकर आए थे, उन लोगों ने ग्लोटीन नाम के हथियार से लोगों को मारना शुरू किया। तो जो लेवोइजियर थे इनकी मृत्यु भी ग्लोटीन के कारण हुई थी। ये मैं थोड़ा जानकारी के लिए बता दे रहा हूं। हालांकि केमिस्ट्री में इनका योगदान क्या रहा है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सिलिकॉन, एक सिलिकॉन का प्रिडिक्शन, सल्फर एक एलिमेंट है, जो ऑक्सीजन होती है उसका कंबशन में क्या रोल है, जो पहले एलिमेंट की जितने भी तत्व हैं, एलिमेंट है, उन सब की जो पहले एक्सटेंसिव लिस्ट थी वो भी किसने बनाई थी, लेवोइजियर में, लेवोइसियर ने। इसलिए जो लेवोइसियर हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के जनक। अब बात करते हैं आगे। तो देखो, दुनिया में जितनी भी चीज हमें दिखाई देती है या जितनी भी चीजें हमें महसूस होती हैं, जो हमारी सेंस ऑर्गन्स या हमारी जो इंद्रियां होती हैं, जिन भी चीजों को फील करते हैं, महसूस करते हैं, उन सबको हमने एक नाम दिया मैटर। क्या नाम दिया, पदार्थ। हमने कहा कि भाई पदार्थ कोई भी ऐसी चीज है जो हमें दिखाई देती है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। हमने उसकी डेफिनेशन के तौर पे दिया कि उसके अंदर क्या होता है, मास होता है। उसके अंदर क्या होता है साथियों, इट हैज मास, द्रव्यमान होता है। इट ऑक्यूपाई स्पेस, वो जगह घेरती है। इसका मतलब जो भी जगह घेरती है चीजें, उनके अंदर क्या होती है, आयतन होता है। थर्ड चीज हमने कहा, दे रेसिस्ट द चेंज इन देयर स्टेट या चेंज इन देयर स्ट्रक्चर। अगर हम उसकी अवस्था में बदलाव करते हैं या उसके स्ट्रक्चर में बदलाव करते हैं कुछ भी फोर्स वगैरह लगा के, तो वो क्या करती हैं, विरोध करती हैं, मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस देती हैं। इंटरनल रेसिस्टेंस, जिसे आप शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, इनर्शिया होता है। आप जानते हो अगर मास होगा तो इनर्शिया भी होगा। तो हमने कहा कोई भी चीज जिसके अंदर द्रव्यमान होता है, जो जगह घेरती है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। लेके पेन पेंसिल से छोटी सुई या रेत का एक छोटा सा छोटा कण, और उसके अलावा जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं, जैसे कि हवा, हवा दिखाई नहीं देती, महसूस तो होती है जब हमसे टकराती है, इसी तरह पानी वगैरह, ये सब क्या है, मैटर है, पदार्थ के रूप है। मैटर को अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें, मैटर को बांटें, तो मैटर हमें दो तीन तरीके से दिखाई देगा। मैटर का क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर लिखते रहिएगा, छोटे छोटे पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अगर आप देखने के तौर पे बांटोगे कि फिजिकल रूप से कैसे दिख रहा है और एक केमिकल रूप से कैसे दिख रहा है, तो अगर भौतिक रूप से देखोगे तो आपको मैटर की मुख्य तीन से चार, जिन्हें आजकल हम पांच अवस्था भी कहने लगे हैं, फाइव स्टेट्स मिलेंगी। पहली सॉलिड, जिसे हम ठोस कहते हैं। सेकंड वन इज लिक्विड, डेट वी कॉल द्रव। थर्ड वन इज गैस, जिसे हम गैस कहते हैं। फोर्थ वन इज प्लाज्मा, प्लाज्मा वगैरह के सबके बारे में बताऊंगा। एंड फिफ्थ वन इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। बोस ने प्रेडिक्ट किया था, आइंस्टीन ने अचीव किया था, मतलब इसकी थ्योरी पूरी दी थी। और 2001 का जो नोबेल प्राइज था, वो तीन साइंटिस्टों को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को अचीव करने के लिए मिला था। क्या होता है कि बहुत कम डेंसिटी, बहुत कम घनत्व की कोई जो गैस होती है, बहुत हल्की गैस, उसको बहुत लो टेम्परेचर पर जब कूल किया जाता है, तो उस समय जो मैटर की स्टेट मिलती है, अवस्था मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कहने का मतलब, अगर आप आंखों से देख के पता लगाओगे कि मैटर कितने टाइप का होता है, पदार्थ कितने टाइप का होता है, तो आप पांच चीजें बताओगे आंखों से देखकर कि यार वो ठोस होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है,
प्लाज्मा होता है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। अगर आप उसे केमिकल बेसिस पे करोगे, किसके बेसिस पे करोगे, रासायनिक बेसिस पे, रासायनिक बेसिस पे कि भाई केमिकल से उसका क्या लेना देना है, तो आपको वो दो तरीके का मिलेगा। एक मिलेगा प्योर, प्योर सब्सटेंस, प्योर पदार्थ, और एक मिलेगा इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर होता है मिक्सचर, इंपोर्ट के इम्प्योर क्या होते हैं, मिश्रण, जो दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस और हिटेरोजीनियस, मतलब समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण, समझ रहे हैं। इसी तरह जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं, एलिमेंट जिन्हें हम तत्व बोलते हैं, सबको एक एक करके समझेंगे। एक होते हैं कंपाउंड जिन्हें हम यौगिक कहते हैं, क्या कहते हैं कंपाउंड्स को, हम यौगिक कहते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो दो तरीके से आपने चीजों को बांट लिया, पहला आपने देखा कि जो केमिकल बेसिस पे मैटर को बांटा तो आपको दो तरीके का मिला, एक प्योर सब्सटेंस एक इंप्योर सब्सटेंस। इंप्योर में क्या आ जाता है, मिश्रण आ जाते हैं जो दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस और हिटरोजीनियस, इन सबको समझाऊंगा। और प्योर में क्या आ जाता है, एलिमेंट और कंपाउंड। अब देखो, अब छोटी सी बात करते हैं, इतना समझ में आ गया, कहीं आपने जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ये सब क्या होते हैं, एलिमेंट। आपने कार्बन डाइऑक्साइड देखा होगा, पानी देखा होगा, अमोनिया देखा होगा, ये सब क्या होते हैं साथियों, कंपाउंड। इसी तरह मिक्सचर होते हैं, जैसे नींबू पानी बनाते हो आप, पानी में क्या मिला देते हो, नींबू या चीनी, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। सबकी कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक होती है, सबकी कुछ ना कुछ विशेषता होती है। अगर विशेषता देखोगे तो एलिमेंट की विशेषता कुछ और होती है, इसकी करेक्टरिस्टिक कुछ और होती है, एंड कंपाउंड हैज सम डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। तो ऑल ऑफ दीज हैव सम डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स वी डिफाइन विच इज एलिमेंट एंड विच इज कंपाउंड। एंड जो हमें इनकी करेक्टरिस्टिक नहीं मिलती और इसमें मिल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कभी ये सॉलिड बना कभी ये लिक्विड बना। तो देखो अब यहां पे थोड़ी सी चीजें समझना मेरी बात को, ये जो अब जो बात बताऊंगा उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्या हुआ कि आप सभी जानते हो कि जो पदार्थ होते हैं मैटर होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं, कि जो पदार्थ होता है मैटर होता है उसका स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल इंडिविजिबल रूप जो होता है, मतलब जो छोटे छोटे कण होते हैं जिनसे मिलकर कोई भी मैटर बनता है उसे हम एटम कहते हैं या क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को, या तो एटम कहते हैं या क्या कहते हैं हिंदी में, परमाणु। तो अब एक बात सोचो कि अगर मैं इन परमाणुओं को, समझना मेरी चीजों को, अगर मैं इन परमाणुओं को बिल्कुल इस तरीके से पास पास लगा दूं, बिल्कुल इस तरह से क्या लगा दूं, बिल्कुल पास पास, ये छोटे छोटे एटम है, मान लो बहुत सारे एटम है किसी एक ग्राम चीज के अंदर, तो मैंने उसको कैसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया बिल्कुल छोटे छोटे। अब एक बात देखो, इन छोटे छोटों को मैं क्या बोल रहा हूं, एटम या मॉलिक्यूल, क्या बोल दिया मैंने, मॉलिक्यूल, परमाणु कह दिया, या किसी किसी में परमाणु नहीं होते, क्या होते हैं, छोटे पार्टिकल, अणु होते हैं। अब देखो जिन्हें मैं कण भी कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं मैं, सिंपल भाषा में पार्टिकल या कण कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इनके बीच में बहुत कम स्पेस है, ये इंटरमोलिकुलर बीच में जो स्पेस है जिसे मैं क्या बोलूंगा, इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटरमोलिकुलर स्पेस, जो दो एटम या मॉलिक्यूल्स के बीच में कंटिन्यूअस जो स्पेस होता है, कंटिन्यूअस मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसको मैं क्या कहता हूं, इंटरमोलिक्यूल या इंटर पार्टिकल स्पेस या अंतर आणविक स्पेस कह लो, या अंतर आणविक रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। अब इनमें ये बहुत कम है, ठीक है। दूसरे देखे हमने, दूसरे में देखा कि जो रिक्त स्थान था वो थोड़ा सा ज्यादा था, और तीसरे में देखा हमने कि जो रिक्त स्थान था वो बहुत ही ज्यादा था, समझ रहे हैं ना। देखो ये बराबर है, तीनों क्या है, बराबर। मान लो ये भी एक ग्राम चीज ली, ये भी एक ग्राम चीज ली, ये भी एक ग्राम चीज ली, ये सब किससे मिलके बनी है, कणों से मिलके बनी है, कण मतलब पार्टिकल, उन कण को हम कहीं एटम कहते हैं, उन कणों को कहीं हम मॉलिक्यूल कहते हैं। हमने उन मॉलिक्यूल्स को अरेंज किया,
हमने एक ग्राम चीज लेने के लिए मॉलिक्यूल्स को अरेंज किया, तो हमने देखा कि किसी में ए नाम की जो चीज थी, बी नाम की जो चीज थी, सी में जब अरेंज किया तो ए में बहुत कम उनके बीच में स्पेस था। जब उनके बीच में कम स्पेस था तो हमने उस पर फोर्स वगैरह लगाया चारों तरफ से, तो स्पेस तो पहले ही कम था तो हम उसे ज्यादा कंप्रेस नहीं कर पाए, ज्यादा संपीड़न नहीं कर पाए। फिर हमने देखा इसमें नीचे से आग लगाई, इसको हीट दी, टेम्परेचर दिया, तो भी इसके जो मॉलिक्यूल्स थे, इसके जो ये पार्टिकल कण हैं, इनके अंदर एनर्जी पहले थी, ऊर्जा पहले से थी, लेकिन फिर भी इनमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया, ये ज्यादा दूर दूर नहीं गए। जबकि हमने इनमें किया तो ये क्या थे, संपीड़न हो गया, आराम से कंप्रेस हो गए, ये दूर दूर थे। जब हमने इस पे फोर्स लगाया या ऊपर से पिस्टन से इनको ऐसे नीचे किया तो ये पास पास आ गए। ये कैसे हो गए, पास पास आ गए लिक्विड के, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। हमने इन पे लगाया तो इनमें तो बहुत ज्यादा स्पेस था, ये तो और पास पास, मतलब बहुत जल्दी पास पास आ गए। तो हमने कहा यार इनमें बदलाव नहीं आ रहा है, इंटरमोलिकुलर अंतर आणविक रिक्त स्थान या इंटरमोलिकुलर स्पेस या इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो क्या है, लेस। अगर ये लेस है, इसका मतलब ये जो दो एटम है इनके बीच का जो फोर्स होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स या अंतर आणविक बल, वो क्या होगा, मतलब एटम एटम के अंदर जो लगता है, अंदर अंदर कणों के बीच में अंतर आणविक बल क्या होगा, ज्यादा। अंतर आणविक बल ज्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होगा, लेस कंप्रेस हो पाएंगे। लेस कंप्रेस मतलब बहुत कम संपीड़न, एक बाहर से बल वगैरह लगाओगे तो इनको ज्यादा कंप्रेस नहीं कर पाओगे। लेस काइनेटिक एनर्जी, इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो भी क्या होती है, बहुत कम। तो हमने इसे नाम दे दिया सॉलिड, कि ऐसी चीजें क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं। सॉलिड मतलब ठोस। और वहीं से हमने कहा कि फिक्स वॉल्यूम होती है, फिक्स वॉल्यूम। आयतन कैसा होता है, निश्चित। आयतन चेंज हुआ, एक ग्राम है, एक ग्राम ही। आयतन होता है निश्चित और शेप भी होती है निश्चित, शेप इज फिक्स्ड। मतलब जिस आकृति के हैं ये आकृति फिक्स है, इससे आप इसको बदल नहीं सकते। हाँ, पिघला वगैरह की आप कर सकते हो, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है इस पे कंप्रेस वगैरह करके इसकी आकृति बदल के इसके गुण पहले जैसे रह जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, सॉलिड के लिए तीन चार चीजें की, कि इनकी वॉल्यूम आयतन निश्चित होता है, जो इनकी शेप या आकृति होती है वो फिक्स होती है। क्यों, क्योंकि इनके अंतर आणविक रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं, बल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए लेस कंप्रेस हो पाते हैं, ठीक है भैया। अब जब इनके बीच में स्पेस कम है, अब हम सॉलिड के अंदर कोई चीज मिलाएंगे तो यहां पे तो खाली स्थान भी नहीं होगा, तो इनमें जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन भी बहुत कम होता है। लिखते रहिएगा मेरे हिसाब से, इनमें डिफ्यूजन भी क्या होता है, लेस होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि एक दूसरे के पार्टिकल मिक्स हो जाए। अगर मैं इसमें से लिक्विड डालूं इस सॉलिड में, तो इसके खाली स्थानों में लिक्विड आ जाए, जहां पे खाली खाली है, खाली पहले से कम है, तो डिफ्यूजन क्या होता है, कम होता है, विसरण क्या होता है, कम। सेकंड पे आ जाते हैं, इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा लेस होता है, लेस होता है, तो जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है जिसे अंतर आणविक रिक्त स्थान कहते हैं, ये ज्यादा होगा, ये क्या होगा, ज्यादा। उसके अलावा इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी, गतिज ऊर्जा, वो भी क्या होगी, मोर, ज्यादा। इसके अलावा अब देखो, जब मैंने इसको कंप्रेस कर दिया तो मैंने क्या किया, इसको पलट के यहां से निकाल के इसमें डालूं, इस बोतल में, तो क्या होगा, ये इस बोतल की शेप ले लेगा। इसको मैं कप में डालूं तो कप की आकृति ग्रहण कर लेगा, और अगर मैं इसे जमीन पे डाल दूं तो ये फैल जाएगा जमीन के जैसा। तो इसका मतलब इसकी वॉल्यूम तो फिक्स है, एक लीटर है तो एक लीटर ही रहेगा, वॉल्यूम कैसी है इसकी, फिक्स। आयतन निश्चित, मगर इसकी आकृति निश्चित नहीं है, इसकी जो शेप है वो निश्चित नहीं है। ये जिस कंटेनर में डाला जाता है उसी कंटेनर की शेप ले लेता है, ठीक है। और जब इसके बीच में क्या है, थोड़ा सा स्पेस है, तो डिफ्यूजन इसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है।
सॉलिड से ज्यादा डिफ्यूजन होता है, सॉलिड से ज्यादा विसरण होता है, मतलब इसमें कोई चीज मिक्स करोगे तो आराम से मिक्स हो जाती है। जैसे हमने पढ़ा था पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है, जो हमारी ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते इनमें आता है। तो इसका मतलब जो पानी था उसके अंदर स्पेस थे, तभी तो हमने गैस मिलाई, तो जो गैस थी वो आराम से डिफ्यूज हो गई। तो इसका मतलब क्योंकि इसका जो ये रिक्त स्थान है ये थोड़े से ज्यादा है। तीसरी चीज पे आ जाते हैं आपकी गैस। भैया देखो गैस का ना तो कोई फिक्स वॉल्यूम होती है, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, आयतन भी इसका निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित नहीं, और ना ही इसकी शेप होती है, नो फिक्स्ड शेप, क्योंकि इसके जो ये कण होते हैं, ये जो इसके पार्टिकल होते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बहुत कम होता है, वेरी वेरी लेस, इसलिए इनके बीच में जो जगह होती है ये भी बहुत ज्यादा होती है, और सबसे हाई काइनेटिक एनर्जी भी किसकी होती है, इन्हीं की होती है, इसीलिए थोड़ी सी गर्मी लेने पर, थोड़ा सा तापमान लेने पर इनकी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा और बढ़ जाती है, ये और दूर दूर चले जाते हैं। तभी हम कहते हैं कि हवा जो गैस है वो हल्की हो गई, हल्की मतलब जो उसके पार्टिकल थे वो ज्यादा जगह में फैल गए, ज्यादा जगह में फैलने से उनका घनत्व या डेंसिटी हो गई कम, इसलिए वो ज्यादा जगह में फैल गए। तो कहने का मतलब मोटे तौर पे हमने जान लिया कि ये जो एटम या मॉलिक्यूल होते हैं ये आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, किसमें कितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी वजह से क्या होता है, इनकी शेप आकृति निश्चित होती है। अगर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण बल ज्यादा एक दूसरे के प्रति, तो उनमें जगह कम होगी तो उसे हम सॉलिड मानेंगे, जिसके बीच में थोड़ी ज्यादा होगी लिक्विड और बहुत ज्यादा स्पेस या रिक्त स्थान होंगे और फोर्स बहुत कम होगा, आकर्षण बल बहुत कम होगा, उसे हम गैस बोलेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा फिजिकल। चौथी जो स्टेट थी जिसे हमने क्या कहा था, प्लाज्मा। तो देखो क्या हुआ था कि एक रॉड थी CFL नाम की एक रॉड थी, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। तो CFL में मैंने आपको बताया था मरकरी भरते हैं, मरकरी के वाष्प, मरकरी वेपर, तो उसे मरकरी वेपर को लिख लो अच्छे से, नाम कहते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड। उसका जो नाम होता है ना जो भरते हैं वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड होते हैं, मरकरी के वेपर होते हैं, पारावाष्प, लेकिन पारावाष्प को क्या कहा जाता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड होती है ये इसके अंदर भरी गई, इसको किसी बिजली के स्रोत से जोड़ा गया, यहां से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, यहां पे फॉस्फर की कोटिंग थी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पे जो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, जैसे ही इसके अंदर से लाइट गई तो बिजली का जो फोर्स था उसने इसको आयोनाइज कर दिया, इसका क्या कर दिया, आयनीकरण कर दिया, इसको आयंस में चेंज कर दिया, आयनीकरण कर दिया या आयोनाइज कर दिया, कहने का मतलब इसको सुपर एक्साइटेड कर दिया, इसके पार्टिकल्स को, इसके कणों को क्या कर दिया, सुपर एक्साइटेड। याद था ना कि अगर वो लो एनर्जी में होते थे, एनर्जी कैसे होती थी लो, तो जब लाइट मिलती थी या बाहर से बल मिलता था तो वो क्या कर देते थे, उसे हाई एनर्जी में पहुंच जाते थे। तो हाई एनर्जी को हम क्या कहते थे, एक्साइटेड स्टेट। तो वही हुआ कि जो गैस थी मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसका क्या कर दिया गया, आयनीकरण कर दिया गया, और ऐसी स्टेट जो आयनीकरण में पाई जाती है, आयंस में, आयंस की स्टेट में जब गैस आयोनाइज हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ऐसा ही बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर, वेरी हाई तापमान या बहुत उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर पर सन वगैरह में से जो ऊर्जा निकलती है वो भी किसकी वजह से निकलती है, प्लाज्मा, कि वहां पे जो मौजूद गैस होती है वो आयंस में बदल जाती है, तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। उसके बाद में पांचवी आती है बोस आइंस्टीन। तो इसमें समझ लेना आयोनाइजेशन ऑफ गैस हो जाता है, गैस आयोनाइज हो जाती है। देन आ जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये हमारे भारत के वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस, इनके ऑनर में, आइंस्टीन के ऑनर में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें क्या होता है, लो डेंसिटी की, बहुत कम घनत्व की कोई गैस होती है, लो डेंसिटी गैस या कम
घनत्व की गैस को, कम घनत्व की गैस को लो टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर, सुपर लो टेम्परेचर मान लो, बहुत लो टेम्परेचर पर जब कूल किया जाता है तो जो अवस्था मिलती है वो कौन सी होती है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। 2001 का नोबल प्राइज जो था, 2001 नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री, वो इसी के लिए दिया गया था कि उन लोगों ने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को अचीव कर लिया था। उससे पहले थ्योरी में मौजूद थी, लेकिन मतलब थ्योरी दे चुके थे आइंस्टीन और सत्येंद्रनाथ बोस जी मिलकर कि आप अगर किसी लो डेंसिटी की गैस को बहुत कम टेम्परेचर पर कूल करते हो, ठंडा करते हो, तो क्या मिलेगा आपको? एक नई अवस्था मिलेगी जिसे हम क्या कहते हैं? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और अभी मैं कुछ दिनों पहले पेपर पढ़ रहा था कि एक और नई अवस्था मिली है, तो उसकी जब थ्योरी अच्छे से तैयार हो जाएगी और वो प्रूव हो जाएगी तब हम उसे भी मान लेंगे। अभी के लिए हमारे पास कितनी होगी? 5 होगी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट तक। सॉलिड लिक्विड गैस, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, काइनेटिक एनर्जी किसमें ज्यादा होती है, किसकी शेप वॉल्यूम, किसका आयतन, किसकी आकृति, ये निश्चित नहीं होते। चलिए अब पहले बात कर लेता हूं कि भाई देखो, आप जानते हो हमने पढ़ा कि अभी तो हमने फिजिकल बेसिस पे बांटा है, अभी हमें केमिकल बेसिस पे बांटना है। और केमिकल में हमने क्या देखा था? कुछ प्योर होते थे, कुछ इम्प्योर होते थे, शुद्ध और अशुद्ध। प्योर में हमने देखा था एलिमेंट होते हैं, उसके बाद में हमने देखा था क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं। इम्प्योर में हमने मिक्सचर की बात की थी। तो वहीं से हम क्या निकाल के लाते हैं कि एक्चुअल में ये सब कब हमने प्योर कहा, कब हमने कंपाउंड कहा। तो हमने देखा कि जो मैटर बनता है उसका जो स्मॉलेस्ट रूप था, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल, इंडिविजिबल का मतलब होता है कि जिसको हम और ने बांट सके, और ने कांट छांट सके, कांट छांट सके, उसे हम क्या कहते हैं? इंडिविजिबल। तो जो सबसे इंडिविजिबल, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे हम कहते हैं एटम। क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु क्या होता है कि ये मे और मे नॉट, मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्या कह रखा है कि हो भी सकता और नहीं भी, मतलब स्वतंत्र अवस्था में पाया भी जा सकता है, स्वतंत्र अवस्था में हां और ना दोनों। कहने का क्या मतलब है? ये मतलब पदार्थ की मैटर का सबसे छोटा रूप होता है जिससे मिलके सारे के सारे मैटर बनते हैं। ठीक है, समझिएगा इस बात को। तो एटम सबसे छोटा हो गया, क्या कहा गया? ये इंडिविजिबल होता है, इसको आप और कांट छांट नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये आपको स्वतंत्र अवस्था में मिले, स्वतंत्र अवस्था में ना मिले। जैसे स्वतंत्र अवस्था की बात करूं कि कार्बन होता है, आपने देखा है कार्बन, तो जो कार्बन होता है वो आप कैसे लिखते हो? कार्बन को सी से लिखते हो। कहने का मतलब कि कार्बन इकलौता अपनी स्वतंत्र अवस्था में है। लेकिन अगर मैं कहूं ऑक्सीजन, तो देखो ये ऑक्सीजन का एटम है, ऑक्सीजन का परमाणु है, लेकिन ऑक्सीजन का जो परमाणु है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका अस्तित्व ही नहीं है। तो ये अस्तित्व में आने के लिए क्या करता है? ये अस्तित्व में आने के लिए क्या करता है कि एक और ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेता है। और किसके रूप में मिलता है? या तो O2 के रूप में, या किसके रूप में मिलता है एक और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके? O3, मतलब ओजोन के रूप में। कहने का मतलब अगर ये इकलौता होता तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इकलौता O कहीं आपने देखा है स्वतंत्र अवस्था में इंडिपेंडेंट? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये क्या हो जाता है कि जब ये दूसरे ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेता है, सारी बता दूंगा, टेंशन मत लेना, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, आज बेसिक है। तो ये क्या बन जाता है? ऑक्सीजन बन जाता है O2, O2 इंडिपेंडेंट होती है, या ये ओजोन बन जाता है, और ओजोन भी क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। इसलिए मैंने कहा मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। सारे का सारा मैटर पहले एटम बनते हैं, एटम मिलके, जैसे यहां पे भी तो ऑक्सीजन बनाने में भी तो दो एटम मिले, तब एक ऑक्सीजन का क्या बना? मॉलिक्यूल। तो ऐसी चीज जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट जो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। तो क्या कहा हमने? तीसरी चीज हमने क्या कही? टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, टेक्स पार्ट इन केमिकल
रिएक्शन। तो जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में ये हिस्सेदारी करता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। कौन? एटम भाग लेता है। ये एटम ही होते हैं, जब Na और Cl मिलते हैं तो क्या बन जाता है? NaCl बन जाता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? एटम भाग लेता है, मॉलिक्यूल भाग नहीं लेता। तो हमने क्या कहा कि भाई एटम होते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं, उन्हें और कांट छांट नहीं सकते। अगर उन्हें कांट छांटेंगे तो वो नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मतलब अगर आप उन्हें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बना दोगे तो वो उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। इंडिपेंडेंटली रहते हैं, नहीं भी रहते हैं, दोनों केस में बताया। ये इंडिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में अस्तित्व इसका नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। तीसरा, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। और चौथी चीज, जो अलग अलग तत्व होते हैं उनके एटम जो होते हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती हैं, उनकी अलग 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 जितने भी एलिमेंट है, जैसे कार्बन की अलग होगी, ऑक्सीजन की जो विशेषता होगी वो अलग होगी, और बाकी की जो विशेषता होगी वो अलग होगी। नेक्स्ट चीज आ जाती है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जिसे हम क्या कहते हैं? अणु। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? बिल्कुल सही। NaCl2 नहीं होता, NaCl होता है, एक सोडियम के पास ज्यादा होता है, क्लोरीन को कम पड़ता है, अणु। तो देखो समझाऊंगा इस चीज को, क्या हुआ कि जैसे मेरे एलिमेंट थे, मेरे क्या थे? एलिमेंट। तो एलिमेंट जिन्हें मैं क्या बोलता हूं? तत्व। तत्व क्या होते हैं? सेम एटम से बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सेम एटम या समान परमाणु। मतलब अगर कोई कार्बन नाम का तत्व है तो कार्बन के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसके एटम होंगे? कार्बन के एटम होंगे। ये जो एटम होते हैं एलिमेंट के कार्बन के, इन सबकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम केमिकल और फिजिकल भी। हालांकि अभी देखा गया है कि कुछ एटम का मास थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, उतना डीप में नहीं जाएंगे। जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो विशेषताएं होती हैं, वो भी क्या होती हैं? समान होती हैं। क्या होती हैं? समान होती हैं। तो जब सेम एटम से बने होते हैं और उनकी विशेषताएं भी समान होती हैं तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या हो जाता है? एटम। क्योंकि भाई ये कार्बन है तो इसमें सारे के सारे ये सब किसके हैं? कार्बन के ही हैं। दूसरी तरफ अगर मैं कंपाउंड की बात करूं, अगर हम प्योर सब्सटेंस पढ़ रहे थे, कंपाउंड या यौगिक जिसे हम यौगिक कहते हैं, तो यौगिक में क्या है कि दो या दो से ज्यादा, दो और मोर देन टू एलिमेंट, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या है? पानी, जल, वाटर। तो जल या वाटर में क्या हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने, एक तरफ हाइड्रोजन के दो एटम मिले, एक तरफ ऑक्सीजन का एक, और इन दोनों ने क्या किया? एक दूसरे से कंबाइन किया और हमें क्या मिला? पानी। इसी तरह कार्बन के एक और ऑक्सीजन के दो, दोनों ने कंबाइन किया, क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहने का मतलब दो, या जैसे इसकी बात करें H2SO4, इसमें एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, चार ऑक्सीजन है, तो H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें तो तीन एलिमेंट मिलके, एक हाइड्रोजन, एक सल्फर, एक ऑक्सीजन, तो दो, ये दो से ज्यादा एलिमेंट से जो चीजें मिलकर बनी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। याद रखिएगा, जब ये कोई चीज कंपाउंड बन जाती है तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, मतलब जिनसे वो मिलकर बनी होती है, उनसे उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही चेंज हो जाती हैं। इसमें क्या लिखेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी चेंज्ड, कि जो इनके अवयव होते हैं जिनसे मिलकर बनते हैं, तो अवयवों की विशेषताएं बदल जाती हैं, विशेषताओं में परिवर्तन। कैसे आता है ये परिवर्तन? आपको पता है हाइड्रोजन एक फ्यूल है, हाइड्रोजन जलाने का काम करती है, एक ईंधन है, ऑक्सीजन जलने के लिए जरूरी होती है, जबकि ये दोनों मिलके क्या बना दिए? वाटर, पानी, और पानी तो आग को बुझाता है। तो कहने का मतलब, एक चीज जैसे कार्बन जलाता है या ऑक्सीजन जलाती है चीजों को, दोनों मिल जाती हैं,
तो ये आग को बुझा देती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहने का मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। तो याद रखिएगा जो मॉलिक्यूल होते हैं अणु वो कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट होती है, सबसे छोटी स्वतंत्र यूनिट, इंडिपेंडेंट। जब एक कार्बन और दो ऑक्सीजन मिलके कुछ एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाए तो इसको बोलूंगा एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु। क्या बोलूंगा? कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु। अगर यहां पे दो लग जाती है तो अब क्या बोलूंगा इसको मैं? कार्बन डाइऑक्साइड के दो अणु। अगर यहां पे क्या बन जाती है? पांच। तो क्या बोलूंगा? कार्बन डाइऑक्साइड के पांच अणु। कहने का मतलब जो यौगिक होता है, कंपाउंड होता है, उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। जैसे आपको पता है कि हालांकि O2 ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, क्योंकि इस समय क्या मिला हुआ? एक तत्व है। तत्व मतलब जो एक समान एटम से मिलकर बने होते हैं, इसमें किसी और का तो कुछ नहीं है। तो लेकिन एटम तो अकेला O होता है, O और O मिलके क्या बनाए? O2। तो ये जो O2 है, अगर मैं यहां पे 2 लिख दूं तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, कुछ नहीं है तो 1 मॉलिक्यूल। कहने का मतलब एलिमेंट का छोटा एटम भी हो सकता है और उसका मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है और क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल भी। क्योंकि यहां पे मैंने देखा ना, पहले स्वतंत्र नहीं था, एटम या परमाणु के रूप में स्वतंत्र नहीं था, लेकिन अणु के रूप में कैसा है? स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट। इसी तरह मान लो मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो यहां पे मैं 5N2 लगा दूं तो इसका मतलब नाइट्रोजन के कितने अणु? पांच अणु। चलिए तो कंपाउंड का क्या हो जाता है? मॉलिक्यूल। और जो एलिमेंट होते हैं उसके दोनों हो सकते हैं, एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। चलिए इसके बाद में थोड़ा थोड़ा बेसिक है, क्या अवस्था होती है, क्या एटम होता है, यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे नेक्स्ट आ जाता है मिश्रण, मिक्सचर। एक और चीज ध्यान से देखने वाली बात थी कि जो कंपाउंड होते हैं उनका जो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ एलिमेंट, वो हमेशा सेम होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे अगर आप क्या बना रहे हो, आप बना रहे हो वाटर H2O, तो मान लो अगर आपने हाइड्रोजन कितनी ली? दो। तो आपने मतलब 2 ग्राम क्या ली? हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन कितने ग्राम ली आपने? 16 ग्राम। तो हमेशा इनका अगर आप रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा? 1:8। मतलब हर 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए आपको कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए? 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तब जाके आप क्या मिला पाओगे? पानी। अब यही जो रेशियो है 1:8, इसे आप दुनिया के किसी कोने में ले जाओ, मार्स पे पानी बना लो, बुध ग्रह पे पानी बना लो, चंद्रमा पे पानी, पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, अनुपात है, आपको यही रखना होगा। इसी तरह NH3 अमोनिया, नाइट्रोजन आपने 14 ग्राम, इनके मॉलिक्यूलर मास अभी पढ़ाऊंगा, हाइड्रोजन कितने लिए आपने? 3 ग्राम, इनका रेशियो हमेशा क्या रहेगा? 14:3। इसी तरह आपने कार्बन डाइऑक्साइड ली, कार्बन लिया 1:12, ऑक्सीजन लिया आपने 16^32, क्योंकि 1 में होती है 16, 2 में होगी 32, 4×8=32, 4×3=12, इनका रेशियो आपको कितना लेना पड़ेगा? 3:8। इसका मतलब अगर आप 3 ग्राम कार्बन ले रहे हो तो आपको 8 ग्राम क्या लेनी पड़ेगी? ऑक्सीजन लेनी ही होगी। तो याद रखिएगा कंपाउंड का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो क्या होता है? सेम होता है। और यही बात इसको मिक्सचर से अलग करती है, क्योंकि मिक्सचर में जो कंबाइन होती हैं चीजें, जो पार्टिकल कंबाइन होते हैं, पार्टिकल इन एनी रेशियो, किसी भी अनुपात में इसके कण, किसी भी अनुपात में जो कण होते हैं वो एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक दूसरे से उनकी रिएक्शन होती है, पार्टिकल इन एनी रेशियो। फॉर एग्जांपल आप नींबू, आप चीनी और पानी का बना रहे हो, शुगर और वाटर, चीनी और पानी को बना रहे हो, शुगर और वाटर, तो किसी ने कहा है कि आप एक फिक्स लो कि भाई 1 लीटर पानी में आप जो, अगर आप 1 लीटर पानी ले रहे हो तो उसमें आप क्या मिलाओ?
आप चाहो तो आधा केजी चीनी मिला दो, आप चाहो तो 100 ग्राम चीनी मिला दो, आप चाहो तो 5 ग्राम चीनी मिला दो, चाहो तो आप पानी कम ले लो, चीनी ज्यादा ले लो, मतलब इन दोनों को आप किसी भी रेशियो में रख सकते हैं, इन दोनों को आप किसी भी रेशियो में रख सकते हैं। क्लियर है? तो उसे हम क्या कहेंगे, मिक्सचर या मिश्रण, कि मिश्रण में जो अवयवों का अनुपात होता है वो किसी भी अनुपात में हम उनको मिला सकते हैं, और किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, मिश्रण। जैसे कि हवा, हवा का अनुपात नहीं है, हवा कहीं पे जहरीली हवा हो सकती है, उसमें कुछ टॉक्सिक चीजें ज्यादा हो सकती हैं, कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो सकती है, कहीं पे नाइट्रोजन ज्यादा हो सकती है। अगर हम ईंधन जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती रहेगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब हवा हुई या नींबू पानी हुआ या ये जो तत्व होते हैं, मतलब ये जो चीजें होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। दो तरीके के बताए थे, एक होमोजीनियस, होमो का मतलब कि इसमें जितनी भी चीजें आपने मिलाई हैं वो अगर आप उसका, जैसे मान लो आपने पानी में चीनी मिला दी, तो आप एक चम्मच आपने उसको अच्छे से घोल दिया, अब आप क्या करो, एक चम्मच लो तो भी आपको मान लो एक लीटर में आपने एक किलो चीनी मिलाई थी, एक लीटर वाटर में आपने एक किलो चीनी मिलाई थी, वो चीनी पूरी तरीके से घुल गई, तो याद रखिएगा आप एक चम्मच लोगे तो भी उतनी मिठास आएगी, दो चम्मच लोगे तो भी मिठास उतनी रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि दो चम्मच लोगे तो चीनी ज्यादा आ जाएगी, मतलब जो उनका मिलने के बाद में जो पार्ट थे उन पार्ट का जो प्रॉपर्टी है वो सेम रही है, या उनके गुण धर्म जो है वो सेम रहे हैं। मतलब अगर इसमें सॉलिड पूरी तरीके से घुल गया तो घुल गया है, जितना एक जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरी तरीके से इसके खाली स्थान में आ गए हैं, और कहने का मतलब है आप एक हिस्से से ले लो तो भी आपको उतनी मिठास लगेगी, दो हिस्से ले लो तो भी उतनी ही मिठास लगेगी। दूसरे होते हैं हीटरोजीनियस, मतलब एक हो जाते हैं समांग और एक हो जाते हैं विषमांग, हीटरोजीनियस। तो जो विषमांग होते हैं हीटरोजीनियस, इनमें क्या होता है कि मान लो जैसे कुहासा है, फॉग, तो फॉग का कहीं पे फॉग ज्यादा होता है, कहीं पे फॉग कम होता है, क्योंकि गैस में लिक्विड पार्टिकल मिल जाते हैं, गैस में द्रव के पार्टिकल मिल जाते हैं। इसी तरह जो ये अपना धुआं होता है, स्मोक, धुआं में भी क्या होता है, इसमें भी गैस में सॉलिड पार्टिकल मिल जाते हैं, गैस के अंदर सॉलिड चीजें आ जाती हैं, तो कहीं पे वो ज्यादा होती हैं पूरी तरीके से घुल नहीं पाती, कहीं पे कम। तो जब कोई चीज पूरी तरीके से मिश्रण में घुल नहीं पाती है और छोटे छोटे पार्ट्स का कहीं पे सॉलिड पार्टिकल, अगर आप धुआं जहां से लग रहा है वहां से हाथ लगा के देखोगे तो सॉलिड पार्टिकल काला काला ज्यादा आएगा, थोड़ा ऊपर से पकड़ोगे तो सॉलिड पार्टिकल थोड़े आपको कम दिखाई देंगे। तो इसका मतलब इसके हर एक पार्ट की जो करेक्टरिस्टिक होती है, जो मतलब उसके गुण धर्म होते हैं, वो बिल्कुल अलग अलग या थोड़े से अलग हो जाते हैं, जबकि जो होमोजीनियस होते हैं इसके एक समान रहते हैं। चलिए, देन यहां तक आपने दो तीन चीजें समझी, एक तो आपने क्या समझा, सॉलिड लिक्विड गैस ये सब क्या होते हैं, कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है, कितने बीच में इनके में गैप होता है, उसके बाद में आपने मिक्सचर समझा, उसके बाद में मतलब ये हमने अवस्था समझने की कोशिश की है। ये बिल्कुल बेसिक है, ये जितने भी अवस्था होती हैं इनमें हम चेंज कर सकते हैं, ये जितनी भी अवस्था होती हैं इनमें हम चेंज कर सकते हैं, जिसे कहेंगे अवस्था में परिवर्तन। आप प्रेशर से भी कर सकते हो, टेम्परेचर मतलब हीट वगैरह देकर भी कर सकते हो, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। तो इसको समझ लीजिएगा, सॉलिड जिसे हम ठोस बोलते हैं, बीच में लिक्विड, द्रव और तीसरे नंबर पे गैस। सॉलिड से लिक्विड मतलब कोई ठोस चीज है वो पिघल के क्या बन गई, द्रव, उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या आ गया, थोड़ा सा गैप आ गया, या तो आपने प्रेशर दिया या आपने क्या दिया, आपने टेम्परेचर दिया, तो इसको बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन या मेल्टिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं द्रवणांग। ठीक है, लिक्विड से आपने गैस जो भाप बन जाती है,
इसको बोलते हैं वेपराइजेशन या एवेपोरेशन, वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। उल्टा चलते हैं, गैस को आपने क्या बना दिया? लिक्विड। इकट्ठा हो गई, जैसे जो पहले भाप थी या पहले जल वाष्प थे वो बारिश बन गए, बारिश की बूंद। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन या संघनन। लिक्विड से आपने क्या बना दिया? सॉलिड। इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग को हिंदी में कहते हैं हिमकारी। क्या बना दिया? हिमांक या हिमकारी। अब एक और चीज होती है, सॉलिड से डायरेक्ट किस में बदल जाए? गैस में। सॉलिड से डायरेक्ट गैस, इसको बोलते हैं सबलीमेशन। क्या कहते हैं? सबलीमेशन या उधर्वपातन। उधर्वपातन। तो सबलीमेशन इज द प्रोसेस इन विच एनी सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस। मतलब वो डायरेक्ट किस में बदल जाता है? गैस। और गैस से किस में बदल जाता है? सॉलिड में। एग्जांपल के तौर पे कर्पूर होता है, नेप्थिलीन बॉल्स ये सब, या ओडोनिल वगैरह जो आप घरों में लगाते हैं, ये ओडोनिल वगैरह क्या होती है? ये सॉलिड होती है और डायरेक्ट किस में बदल जाती है? सबलिमेशन से गैस में। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ड्राई आइस। ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर देके, 180 प्रेशर देके जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे डायरेक्ट किस में बदल दिया जाता है? ठोस में, सॉलिड में, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो वो सफेद दिखती है बर्फ के जैसी, इसलिए, लेकिन गीला नहीं करती, इसलिए उसका नाम क्या हो जाता है? ड्राई आइस या शुष्क बर्फ, या सिंपल क्या कह देते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ओडोनिल या जो कर्पूर वगैरह की गोली होती है वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड। ये जो प्रक्रिया होती है इसे हम क्या कहते हैं? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। और जो सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड होती है इसे कहते हैं सबलीमेशन। यहां तक बताओ कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ये सब है फ्यूजन, मेल्टिंग वगैरह पहले भी पढ़ाया है। ठोस बन गया फ्रिज, मेल्ट हो गया द्रवणांक या फ्रीजिंग, वाष्प बन गई ज्यादा एनर्जी देने से। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? लेटेंट हीट वगैरह तो मैं पढ़ा चुका हूं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम। तो वहां से तो कोई टेंशन है नहीं। नेक्स्ट आ जाता है कि मैटर से, मैटर के जो पार्टिकल है उनसे जुड़ी हुई कोई और इंफॉर्मेशन। एटम क्या होता है आपको समझ में आ गया? परमाणु, सबसे छोटा पार्टिकल जिसको और नहीं बांटा जा सकता। उसके बाद में मॉलिक्यूल, ये भी समझ में आ गया, अणु। अब आ जाता है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट तो देखो भाई, एटम जो एक ग्राम चीज होती है, मान लो कोई एक ग्राम चीज है उसमें लाखों करोड़ों एटम होते हैं। कितने होते हैं? लाख, मिलियंस, बिलियंस एटम्स होते हैं, बहुत ज्यादा एटम होते हैं। अब एक एटम का वेट या एक एटम का मास निकालना, एटॉमिक मास या परमाणु भार, ये निकालना बहुत ही ज्यादा तकलीफ का काम हो जाता है दोस्तों। बहुत ज्यादा इसको निकालने में परेशानी आती है। तो हम निकाल ना निकाल कर क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर, या क्या कह सकते हैं कि हमने इसको सापेक्ष, आपेक्ष, कंपेरिजन, कंपेरेटिव, रिलेटिव मास निकाला। क्या निकाला? रिलेटिव। और कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए हमने कार्बन 12 का एटम लिया, कार्बन 12। आप जानते हैं ना कार्बन 12, कार्बन की तीन आइसोटोप होती हैं, एक 12, एक 13 और एक कार्बन 14। सबसे ज्यादा ये मिलती है कार्बन की, हमने इसको बोला कार्बन 12 आइसोटोप या कार्बन 12 सम स्थानिक। तो ये जो कार्बन 12 सम स्थानिक है इसके लिए हमने, अब मान लो कि ये 12, जैसे एक दर्जन में कितने होते हैं? एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं, 12 केले या 12 अंडे कुछ भी ले लो। एक दर्जन में कितनी होती हैं? 12 चीजें होती हैं। तो हमने 1/12 एटम का मास निकाल दिया, 1/12 एटम ऑफ कार्बन 12। हमने कार्बन 12 के 1/12, मतलब उसका जो 12वां
एटम था उसका मास निकाला और उसी को हमने क्या बोला, वन एटॉमिक मास या वन यूनिफाइड मास, एक एटॉमिक भार या वन। जैसे 12 केले में आपने एक केले का वजन निकाल लिया तो 1/12 निकल लिखेंगे ना, इसी तरह 12 एटम थे, 12 जो कार्बन 12 था उसका 12 मास था, उसके अंदर 12 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन थे, तो हमने क्या किया उसका 1/12 का मास निकाल लिया और उसी को हमने क्या दे दिया, 1 AMU या 1 यूनिफाइड मास, उसी को हमने क्या दे दिया, 1 AMU या 1 यूनिफाइड मास, जो कितना बैठा 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम के इक्वल बैठा। मतलब जब हमने कार्बन 1/12 कार्बन का निकाला एक एटम का मास तो हमें कितना आया 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। अब हम इसी मास से सबका कंपैरिजन करते रहे तो ये जो एक एटम का मास आया हमने किसको दे दिया, ये दे दिया हमने हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन का मास कितना बोल दिया 1 AMU, और बाकी हाइड्रोजन के बाद में हीलियम लिथियम जितने भी आए कार्बन ऑक्सीजन इन सब की तुलना हम इससे करते रहे। तो किसी का अगर मान लो आ जाता है 16 AMU तो इसका मतलब वो कार्बन से कितने टाइम्स ज्यादा, उसका मास 16 टाइम्स ज्यादा है, 16 AMU 16 गुणा ज्यादा है, वो 16 टाइम्स भारी है, 16 टाइम्स हाइड्रोजन से भारी है। फिर से समझ लो, एटॉमिक मास एक रिलेटिव मास होता है, रिलेटिव मतलब हम तुलना करते हैं, सापेक्षिक मास होता है, सापेक्षिक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, तो जो परमाणु द्रव्यमान होता है सापेक्षिक होता है। जो कार्बन 12 होता है, जैसे एक दर्जन में 12 होती हैं, इसी तरह कार्बन 12 के 1/12 12वें एटम का मास निकाल लेते हैं, जो क्या आया 1 AMU या 1 यूनिफाइड मास। इसको हालांकि 1.0008 करके लिखते हैं लेकिन मैंने अप्रोक्स करके लिख दिया। चलिए देन आ जाता है मॉलिक्यूलर, तो इसके बेसिस पे अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बहुत सारे मिलेंगे कि जैसे एक ऑक्सीजन में कितना होता है 16, यहां पे दो ऑक्सीजन हो गए एक मॉलिक्यूल बन गया तो कितने हो गए 16 × 32। इसी तरह एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1 AMU, दो हाइड्रोजन हो गए तो 1 × 2 कितने हो गए 2 AMU, तो ये सब क्या होता है एटॉमिक मास। लगभग 20 शुरुआत के जितने एलिमेंट हैं हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम और कहो तो उसके थोड़े से आगे तक 25 तक, 1 से लेके 25 तक जिनका एटॉमिक नंबर है परमाणु क्रमांक है, इन सब तत्वों को आप एक बार पढ़ के आना कल, इनके बारे में बहुत सारी चीजें क्लियर करेंगे। ये हो गया एटॉमिक मास, इसी के साथ आ जाता है परमाणु भार मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास परमाणु, क्वेश्चन करके जाना बिना क्वेश्चन करे मत जाना, परमाणु भार अणु भार, तो अणु भार कुछ नहीं है, यही है जो भी बताया कि मान लो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है 16 AMU, तो अणु जो ऑक्सीजन का होता है उसमें कितने होते हैं दो ऑक्सीजन मिलके तो एक अणु बनता है, क्योंकि ये तो स्वतंत्र ही नहीं है, स्वतंत्र किस अवस्था में रहती है ऑक्सीजन इस अवस्था में, तो इसका कितना हो गया 16 × 32, या सिंपल सा अगर यहां पे ये क्या होती ओजोन तो कितना हो जाएगा 16 × 48, तो इस तरह से क्या निकाल देते हैं भार मॉलिक्यूलर मास। और देखो ये तो मैंने एक मॉलिक्यूल का निकाला, अब देखो मान लो मेरे पास मीथेन का एक मॉलिक्यूल है, किसका है 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, ये मीथेन है ना CH4, तो कार्बन का कितना होता है 12, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 4 का कितना हो जाएगा 4, 12 और 4 कितने हो गए 16 AMU। इसी तरह मान लो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का पूछे कि एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा कार्बन का 12, एक में 16 होते हैं, दो में कितने हो जाएंगे 32, 32 और 12 कितने हो गए 44 AMU। इसे आप ग्राम में भी दिखा सकते हैं, ये मॉलिक्यूलर क्या होता है तुलनात्मक रिलेटिव होता है, तो अगर किसी का वजन ग्राम में है तो आप इसे 44 ग्राम या इसे आप 32 ग्राम भी कह सकते हो, ग्राम में भी हम इसे दिखा सकते हैं। AMU आजकल सिर्फ यू लिखने की परंपरा है, यूनिफाइड मास। उसके बाद में एक आता है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार या द्रव्यमान, इसका एक फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट या मास बराबर मॉलिक्यूलर मास, जो भी हमने निकाला अणु द्रव्यमान या अणु भार बटे वेलेंसी, बटे वेलेंसी मतलब हाइड्रोजन कितनी कंबाइन हो सकती हैं, वेलेंसी मतलब हाइड्रोजन कितनी कंबाइन हो सकती हैं। जैसे HCl, ठीक है, इसका अगर आपको इक्विवेलेंट वेट तो H का 1 और इसका होता है लगभग 35.45, तो 35 मान लेता हूं तो कितने हो जाएंगे 36। और अगर इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl पूछे तो पहले उनका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, कितना आ गया 36। इसकी वैलेंसी कितनी है कंबाइन करने की हाइड्रोजन की, एक, एक हाइड्रोजन क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन दे सकती है क्योंकि इसको एक की जरूरत होती है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 36। तो इसका फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी। पहले मैंने एनडीए में भी कराया था एक क्वेश्चन शायद H2SO4 के लिए, तुल्यांकी भार या द्रव्यमान, पहले मॉलिक्यूलर अणु द्रव्यमान निकाल लो और कितनी हाइड्रोजन कंबाइन हो सकती है, हाइड्रोजन कंबाइन कैपेसिटी, हाइड्रोजन की कंबाइन करने की कैपेसिटी, जैसे H2SO4 में 2 होगी, ठीक है, कंबाइन करने की हाइड्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी, दोनों को ऊपर नीचे रखो तो क्या आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। नेक्स्ट है मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, 1967 में यह पदार्थ का द्रव्यमान भी बताता है, यह मास भी बताता है और साथ साथ नंबर ऑफ एटम्स भी बताता है, नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल कणों की संख्या, तो ये संख्या भी बताता है और कणों भी मतलब उसका द्रव्यमान भी बताता है। तो सुनिए क्या होता है, जैसे मान लो हमने कहा कि 1/12 ऑफ कार्बन 12, कि कार्बन 12 का जो 1/12 एटम था उसका मास हमें पता था, हमने उसके आधार पे कार्बन 12 के एक पूरे में 1 ग्राम में कितने एटम होंगे, 1 ग्राम में कितने एटम होंगे हमने उसका निकाला, तो हमारे पास आया 6.022 × 10³। मतलब आप किसी का भी 1 ग्राम लीजिए, आप चाहे तो 1 AMU या 1 ग्राम या 1 UG किसका लीजिए, ऑक्सीजन का, उसके अंदर भी आपको कितने मोल मिले, कितने वो मिलेंगे 6.022 × 10³। या आप किसी नाइट्रोजन का ले लीजिए, उसके अंदर भी कितने मिलेंगे 6.022 × 10³। मतलब एक ये नंबर है कि किसी चीज के अंदर कितने कणों की संख्या कितनी है, एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी है, तो उसे हम क्या बताते हैं, या पार्टिकल की संख्या कितनी है उसे हम बोलते हैं मोल संख्या या एवोगैड्रो नंबर, इसको क्या कहा जाता है एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो संख्या, क्लियर है, एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो संख्या, इसको मैं अभी तुम्हें समझा रहा हूं। मान लो आपसे कहा गया है कि भाई आपको ऑक्सीजन का 64 ग्राम दे रखा है, कितना दे रखा है 64 ग्राम, आपको ऑक्सीजन O2 दे रखी है 64 ग्राम, आपसे कह रखा है कि इसमें कितने एटम्स हैं पता कीजिए, क्या कह रखा है कि आपको ऑक्सीजन दी गई है 64 ग्राम, आपसे पूछा है कि भाई इसमें कितने एटम्स हैं, आपको बताना है कितने कणों की संख्या कितनी है, तो हमने क्या निकाला मोल निकाला, पहले क्या निकाला मोल, मोल निकालने के लिए जो गिवन मास होता है, जितना मास दिया गया होता है, दिया गया द्रव्यमान या वेट या भार डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अणु भार, तो दिए गए मास को अणु भार से डिवाइड कर दो, गिवन मास कितना है 64 ग्राम, आप जानते हो एक ऑक्सीजन में 16, दो में कितना हो जाएगा 16 × 2 = 32, 32 से डिवाइड कर दिया, कितने मोल आ गए 2 मोल, आप जानते हो 1 में कितनी होती हैं, 1 मोल में कितने होते हैं 6.022, तो 2 में कितने हो जाएंगे 6.022 × 10³, मतलब 12.044 × 10³ एटम्स, इतने सारे एटम किसके अंदर हो जाएंगे, इतने 64 ग्राम अगर आपको ऑक्सीजन गैस दी गई है तो उसके अंदर इतने लाखों करोड़ों एटम से मिलके बनी गई है, तो मोल बताता है किसी के 1 ग्राम 2 ग्राम में कितने
एटम्स हैं। ये सिर्फ इससे नहीं निकलेगा, आपको अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं, ये दिया गया होता 12.44 × 10^24 और कहा गया होता कि ऑक्सीजन कितनी ली थी, ऑक्सीजन का वजन निकालिए, इतना आपके पास है, एक में कितने होते हैं 6.022 × 10^23 कट गए कितनी बार, 2 मोल, तो मोल कितने आ गए, 2 आ गए, 2 मोल्स, ऑक्सीजन के 1 मोल में कितने होते हैं 32, तो 2 में कितने हो जाएंगे 64 ग्राम आ गई। 64 ग्राम में इतने होते हैं, तो इतने से मिलके भी क्या बनती है, 64 ग्राम ही ऑक्सीजन बनती है। तो मोल के 2 फॉर्मूले हो जाते हैं, गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास, और एक जितने पार्टिकल कणों की संख्या दे रखी है, डिवाइडेड बाय टोटल कण। क्लियर है? चलिए जल्दी मिलेगी पीडीएफ, परेशान मत होइए। ये सारे हो गए, ठीक है, ओके। चलिए अब आ जाइए, सर क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। कल से फिर हम ये एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, गैसों का आचरण कैसे, ये कल पढ़ेंगे, बॉयल, चार्ल्स नियम, ये सब, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन वगैरह। ज्यादा नहीं है इसमें, रटने की चीजें ज्यादा हैं, जितना ज्यादा थोड़े, जैसे मिश्र, एलॉय, कांच, एसिड बेस, अम्ल और क्षार, कौन से अम्ल नेचुरल प्राकृतिक होते हैं, गैस के बारे में, कौन से किसके अंदर कौन सी गैस मिलती है इसमें। हालांकि अगर मोटे तौर पे देखे जाए ना, ये बॉन्ड वगैरह से रिलेटेड इतनी इंफॉर्मेशन नहीं आती, ये तो मैं बेसिक के लिए इतना करा रहा था कि क्या क्या होता है सिंपल सा, अगर इसको आप मोटे मोटे तौर पे देखोगे, देखो आपको जल्दी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा फिजिक के क्वेश्चन का, परेशान मत हो, वो मुझे पूरी तरीके से याद है, बस मेरी एक चीज बात सुन लो, आज ये केमिस्ट्री बेसिक थी, मैं बताना चाहता था हमें पढ़ना क्या है, कौन सी चीज कंबाइन करती है, तो मैं थोड़ा सा बताने में कामयाब हुआ नहीं हुआ वो पता नहीं। तो हमने पहले पढ़ा इस मैटर क्या होता है, मैटर कैसे, जो हमें पढ़ना है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती है, किन से मिलके वो बनता है, टाइप्स क्या होते हैं, जो मैटर होता है उसकी जो डीपली चीजें, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ये हालांकि मैंने पहले भी फिजिक्स में बताए, कुछ चीजें सही से बता पाया हूं कुछ नहीं, तो एक बार क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में रिवीजन धीरे धीरे, जब केमिस्ट्री धीरे धीरे और आगे बढ़ेगी तो ये सब के बारे में और आपको क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन है, ये मैंने आपको फिजिक्स का क्वेश्चन दिया है, इसलिए दिया है कि मैं जानना चाहता हूं कि आपको एक चीज याद है, एक चीज मैंने पढ़ाई थी कि पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो कब इंसुलेटर की तरह काम करेगा, कब इंसुलेटर की तरह काम करेगा, रिवर्स बायस में या फॉरवर्ड बायस में, बताइए, अग्रभिनति या पश्चभिनति में। आप लोग अच्छे हो, समझ रहे हो, ज्यादा डिसलाइक भी नहीं कर रहे हो, थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे पूरी कर लेंगे, भरोसा रखो, केमिस्ट्री भी बिल्कुल फिजिक्स जैसी हो जाएगी, तरोताजा, बस मुझे मेरे अनुसार करने देना, पहले मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कराऊंगा कल से, अब ये सब इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट तो कराऊंगा ही, इंपॉर्टेंट जैसे मिश्र, एलॉय, मेटल्स, इंपॉर्टेंट गैस, सीवर गैस में क्या होता है, आंसू गैस क्या होती है, मस्टर्ड गैस क्या होती है, कांच, एसिड बेस, फिर जो इलेक्ट्रॉन बंधन होते हैं उनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके लिए। ठीक है बेटा, रिवर्स बायस, आपको बताया था ना क्वेश्चन कि क्या होता है, एक तरफ पी वाले होते हैं जिसमें होल्स होते हैं ज्यादा, एक तरफ एन टाइप होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, इनके बीच में एक क्या बन जाती है, एक गैप बन जाता है, गैप बन जाता नहीं बन जाता है, जब इसे हम फॉरवर्ड बायस, पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से जोड़ते हैं तो गैप क्या हो जाता है, कम होता जाता है, गैप क्या हो जाता है, कम। मैंने एक आपको दिया था जाति पात वाला कि जब ये हम आगे बढ़ेंगे, जब हम फॉरवर्ड सोचेंगे, आगे की बात सोचेंगे, भविष्य की, तो हमें जाति पाति का भेद क्या करना होगा, कम करना होगा। तो कम करने में क्या होता था फॉरवर्ड में दोस्तों, कि ये जो गैप होता था ये जोड़ते ही धीरे धीरे गैप गायब, कि मतलब कोई जाति पाति का बंधन नहीं, तो जो करंट होता था बहुत अच्छे से फ्लो करता था। तो ये तो कंडक्टर की तरह बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करेगा, रिवर्स की तरह कब बिहेव करेगा, जब हम उल्टा लगा देंगे नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से,
तब कैसा बिहेव करेगा, ये बड़ा होता जाएगा, ये जो गैप है ये बढ़ता जाएगा, गैप बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर रहेंगे, प्रोटॉन या होल्स इधर, कहने का मतलब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी तो क्या बनेगा, इंसुलेटर। तो जो रिवर्स बायस होता है, याद है वो जाति पात वाला क्वेश्चन, आगे की सोचेंगे तो इस गैप को कम कर देंगे, एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, हमारे आचार विचार एक दूसरे के पास पहुंचेंगे, और अगर हम ये जाति पाती का बंधन बढ़ाएंगे, रिवर्स माने बैक, पुराने जमाने में चले जाएंगे, तो ये एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा, ए चालक की तरह। इसका आंसर हो जाएगा सी। थोड़ा सोचा करो पुरानी चीजों को। वेरी गुड। नेक्स्ट, ये मैं इसी तरह से सोच के बताया था, क्वेश्चन आएगा आपके लिए। भाऊ मैं कर लूंगा, बस लाइक वाइक करना मत भूलना आप लोग, एनर्जी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। और पहले एक और चीज सोच ही लीजिएगा आप बच्चा, केमिस्ट्री में ज्यादा समझाने के लिए नहीं होता, ये तो मैं समझा रहा हूं कुछ बेसिक चीजें, इसमें ज्यादा समझाने के लिए होगा, जहां रटने की चीजें आएंगी कि कांच किसका बनता है, एलॉय में क्या होता है, एसिड में कौन सा एसिड कैसा है, बेस कौन सा है, तो वहां थोड़ा रटने की भी कोशिश कीजिएगा। करेक्ट ऑप्शन, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास दे रखा है, आपको बताना है कौन सा सही है। सारे सही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास की बात की जा रही है, ये मैं फिजिक्स में भी पढ़ाया हूं अच्छे से, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन नामकरण किया रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी थॉमसन, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेस आती है थॉमसन की, न्यूट्रॉन चैडविक और न्यूक्लियस रदरफोर्ड, ये सारे के सारे सही हैं, इनका मास भी सही है किलोग्राम में, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल सही, अगर ये ग्राम में होता, ग्राम में होता तो इतना हो जाता -24 ग्राम, -28 ग्राम, और वो क्या हो जाते -24 जो बाकी के थे, मतलब ग्राम में क्या हो जाती, 3 पावर कम हो जाती, तो ग्राम और किलोग्राम में कंफ्यूज मत होना, ये किलोग्राम में दे रखे थे, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों को सेम स्पीड से दौड़ाया गया, तो किसमें ज्यादा प्रोटॉन होगा, किसमें ज्यादा मोमेंटम होगा, सबको सेम उससे दौड़ाया गया तो किसमें ज्यादा मोमेंटम होगा, फटाफट बताइए। किसमें ज्यादा मोमेंटम होगा, लाइक कर देना आप लोग प्लीज। बिल्कुल सही, आपको पता है न्यूट्रॉन जो होता है इसका वजन सबसे ज्यादा है, न्यूट्रॉन का जो वेट है वो सबसे ज्यादा है, न्यूट्रॉन का मास, और आपको पता है मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी सबकी सेम है, तो जिसका मास में ज्यादा उसी का मोमेंटम ज्यादा, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, तो वेग तो समान है, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसी का मोमेंटम ज्यादा, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए उसका वेग भी क्या होगा, ज्यादा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मोमेंटम संवेग भी ज्यादा होगा, क्योंकि संवेग बराबर मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग, तो सी बिल्कुल सही, थोड़ा दिमाग लगा लो। सबसे ज्यादा वजन किसका होता है, हैं? ये अभी आपको क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रॉन का तो बहुत कम होता है 9.1 × 10⁻³¹ kg, जबकि इनका होता है 1.67 न्यूट्रॉन का × 10⁻²¹, इसका तो नेगलेक्ट कर देते हैं, फिजिक्स में भी समझाया है, हाँ बताओ ना, तो न्यूट्रॉन का संवेग ज्यादा होगा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व के बारे में सही नहीं है, अभी मैंने तत्व एलिमेंट और कंपाउंड कराए थे, उसके बारे में कौन सी सही नहीं है, सही आंसर आना चाहिए, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, समान परमाणुओं द्वारा संरचना, बिल्कुल सही है, परमाणुओं की रासायनिक प्रवृत्ति अलग अलग होती है, यह पदार्थ का शुद्ध रूप है, देयर आर 18 एलिमेंट,
अभी तक 118 तत्वों की पहचान हो चुकी है। कौन सा गलत है इसमें? इसमें गलत बताना है आपको। बिल्कुल सही बी। भैया एक एलिमेंट के जो एटम होते हैं जैसे ऑक्सीजन के, तो इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगी, ये सब एक जैसा तो व्यवहार करेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। तभी तो इनको प्योर बोला जाता है कि एक जैसे ऑक्सीजन आग लगाता है, ऑक्सीजन क्या करती है चीजों को जलाती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चीजें जलती हैं, तो क्या होगा कि भाई अब क्या करोगे आप, इनके जो एटम्स होते हैं ऐसा थोड़ी ना इनके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी होंगी, सेम प्रॉपर्टी होती हैं। जबकि हमने इसमें क्या कह रखा है इसके ऑप्शन नंबर बी में कि डिफरेंट प्रॉपर्टी होती हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। बाबू एलिमेंट जो होता है तत्व, उसके जितने परमाणु होते हैं उन सबकी समान विशेषता होती है, वो सब एक जैसा व्यवहार करते हैं, जबकि बाकी में अलग अलग हो सकता है लेकिन जो एलिमेंट होते हैं वो समान व्यवहार करते हैं। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, इस प्रक्रिया में ठोस सीधा गैस में परिवर्तित होता है। आंसर गलत नहीं आने चाहिए। ठोस, हालांकि ये जो चैप्टर है पूरा फिजिक्स के ऊपर है, ये सब हमने फिजिक्स में पढ़ा है, इसलिए आपको गलत नहीं देना है। केमिस्ट्री तो वहां से शुरू होगी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एसिड बेस कल पढ़ेंगे हम लोग। अभी मैं आपको बताऊंगा कल क्या पढ़ के आना है, आपको होमवर्क मिला करेगा पढ़ने के लिए डेली, जिससे आसान रहेंगी मेरे लिए चीजें। सबलिमेशन, सबलिमेशन में बताया था ना उधर्वपातन, उधर्वपातन में क्या होता था कि डायरेक्ट सॉलिड किस में बदल जाता था, गैस में। किसका नाम दिया था आपको, कपूर की गोली, नेप्थिलीन बॉल्स, और ओडोनिल का एग्जांपल दिया था, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल दिया था, शुष्क आइस। बी बिल्कुल सही। बाकी क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता था, सॉलिड लिक्विड किस में बदलता था, सॉलिड लिक्विड को सॉलिड में बदलने के लिए भी क्रिस्टलाइजेशन भी कहा जाता है और फ्रीजिंग भी कहा जाता है। इसी तरह कंडेंसेशन गैस से लिक्विड, और इवोपरेशन लिक्विड से गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश बहुत अच्छे, वेरी गुड। लाइक कर देना दोस्तों, आप ही के ऊपर है सब कुछ, आप हैं तो मैं हूं, नहीं तो कुछ भी नहीं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं आने वाले समय में, तो तुम लोग जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवा लो, ठीक है। नॉट करेक्ट, कंपाउंड के बारे में सही नहीं है। मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना, बिल्कुल सही। फिक्स प्रोपोर्शन होता है, अवयवों का समान अनुपात होता है, बिल्कुल सही। कॉन्स्टिट्यूएंट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, यौगिक में अवयवों की प्रकृति बनी रहती है, सभी सही है। बिल्कुल गलत, सी वाला बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन पढ़ो सी वाला ऑप्शन कि अवयवों की प्रकृति बनी रहती है, कहां बनी रहती है अवयवों की प्रकृति बच्चा, समझ रहे हो? अरे भाई मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये ईंधन की तरह काम करती है, अलग देखें ये ईंधन में आग लगाती है और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पानी, जो आग को बुझाता है। तो दोनों की जो विशेषताएं थी वो तो बदल गई, ये कहां से रिटेन हुई और क्वेश्चन में रिटेन की गई है, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा सी, सोच के आंसर नहीं दे रहे। ऑल करेक्ट कहां से हो गया, मैंने क्या कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जो अवयव हैं कॉन्स्टिट्यूएंट, उनकी प्रकृति बनी रहती है, बाबू उनकी प्रकृति बदल जाती है, वो किसी और तरीके से बिहेव करते हैं, उनका व्यवहार बदल जाता है। सी वाला सही आंसर है, कोई बी दे रहा है कोई ए दे रहा है, ना बी होगा ना ए होगा। ए में तो ए कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनी है, बिल्कुल सही है, इसमें दो होते हैं कम से कम या दो से ज्यादा भी होते हैं। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, आपको बताना है इनमें से कौन सा एलिमेंट है, रेत, डायमंड, संगमरमर या चीनी, सैंड, डायमंड, हीरा, संगमरमर, लाइमस्टोन या चीनी, शुगर, इसमें से एलिमेंट बताना है आपको, आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसमें से कौन सा एलिमेंट है, बिल्कुल सही बेटा, रेत, सैंड, सिलिकॉन ऑक्साइड, ये भी क्या है कंपाउंड, डायमंड होता है बिल्कुल एकदम, कोयला जिसमें क्या पाया जाता है कार्बन सी, और कार्बन एक एलिमेंट है, लाइमस्टोन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें भी कंपाउंड है, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसमें भी दो है, ये भी कंपाउंड हो गया, ए भी नहीं, बी भी नहीं, सी भी बी है क्योंकि कार्बन है, ये आपका आंसर हो जाएगा, और डी वाला इसका क्या था ऑप्शन, चीनी, तो शुगर क्या होती है, शुगर में फ्रक्टोज होता है, माल्टोज होता है, कुछ भी नहीं तो ग्लूकोज तो होता है, C6H12O11, ये भी उसी का साधारण रूप है, तो वो भी क्या होती है, ये सिंपल रूप है ना शुगर का, पचने के बाद में यही बनती है ना, तो ये भी क्या होती है कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, लेकिन जो डायमंड है वो सिंगल सिर्फ और सिर्फ कार्बन का बना होता है, और कार्बन एक एलिमेंट है, तो जो एक के बने होते हैं एलिमेंट और एक से ज्यादा के बने होते हैं यौगिक, तो इसमें एलिमेंट क्या है, डायमंड, बी बिल्कुल सही, नेक्स्ट, बहुत अच्छे, क्वेश्चन को समझ के आंसर देना, तुक्के नहीं बच्चे, तुक्के से बहुत मुश्किल आ जाती है, शाबाश बहुत अच्छे, सिलिकॉन ऑक्साइड और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, ये शुगर की जगह अगर इसको ग्लूकोज मानोगे क्योंकि शुगर पचने के बाद में ग्लूकोज हो जाती है, बिल्कुल सही, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होती है डैश के कणों में, सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होती है डैश के कणों में, सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किसके कणों में होती है, तो आपको पता है भाई सॉलिड के तो बिल्कुल पास पास होते हैं, ज्यादा फोर्स होता है, तो इसके में तो होती नहीं है, लिक्विड के में भी थोड़ा इतना कम नहीं होता, थोड़ा तो होता है, गैस के में बहुत कम होता है, गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो इसके अंदर क्या होती है, सबसे आंसर हो जाएगा ए गैस, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाती है, ये सबसे दूर जाते रहते हैं एकदम, क्योंकि इनके बीच में जो बल होता है आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो बहुत कम होता है, अंतरणविक बल, शाबाश, नेक्स्ट, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये ग्रुप डी के लिए नहीं है एएलपी, मैं कह रहा हूं दोनों के लिए समान है, पेपर में बता दूंगा, वरना आपको ग्रुप डी में बहुत से कह रहे हैं सर ये तो नहीं आएगा, तो बेटा मैं पेपर बताऊंगा आपको उस दिन, और आप कहोगे सब आया था, आपके मुंह से कहलवा दूंगा, देख लेना, अब मत पढ़ो वो आपकी इच्छा है, ग्रुप डी वालों ने एक मुहिम चला रखी है कि कुछ लोगों ने ये सर उसके लेवल का नहीं है ग्रुप डी के, बेटा ये सब ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियल सीजीएल सीपीओ सब में आती हैं चीजें, और अब कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, वो नहीं आएगा, हर बार आपसे पूछ लेगा कि भैया अगर आपको ततैया ने खा लिया तो आपको फॉर्मिक एसिड है, वो आप रट लोगे उसे, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला पूछ लेगा आपकी बार, अवोगैड्रो संख्या कितनी होती है, वन मोल, कि एक मोल किसी भी चीज के एक मोल में कितने कम वो है पार्टिकल है, 6.022 × 10^23 अवोगैड्रो नंबर, 6.022 × 10^23 शाबाश बहुत अच्छे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं चीजों को, परेशान मत होना, पूरी क्लास ऐसे ही कराई है दोनों, इसीलिए समय लगता है, आप सोचते होगे कि इनको इतना समय क्यों लगता है, कभी मेरी जगह होके सोचना, हिंदी भी पढ़ा रहा हूं, मतलब हिंदी में भी बता रहा हूं इंग्लिश में भी, बाबू हिंदी के वर्ड बहुत टफ होते हैं, पहले उसको हिंदी इंग्लिश में लिखता हूं, फिर उसको हिंदी में लिखता हूं, दोनों का दिल रखने की कोशिश करता हूं कि दोनों लोग नाराज ना हो, तो समय इसलिए ज्यादा लग जाता है, नहीं तो वो जो 20 थे लेक्चर अगर एक लैंग्वेज में लिख के कराता तो 40 के लेक्चर की जगह 30 में काम हो जाता। अ सैंपल कंटेन, कितना अच्छा क्वेश्चन है,
किसी सैंपल में 24.088 एटम्स हैं, आपको बताना है उसमें मोल्स कितने हैं। तो आपको मोल्स के लिए बताया था कि जितने पार्टिकल दे रखे हो डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, एक में कितने होते हैं। तो कितने दे रखे हैं, 24.088 इंटू 10 की पावर 20 थरा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कट गया चार बार, 6 × 24 होते हैं ना, 22 × 88, तो कितने मोल्स आ गए, 4 मोल्स, 4 मोल, ऑप्शन नंबर बी, शाबाश। ये भी बताया था फॉर्मूला मोल्स का कि अगर पार्टिकल दे रखे हो, सेम ऐसा क्वेश्चन लिया था, तो पार्टिकल्स को ऊपर रख देना और नीचे एवोगाड्रो नंबर एक में कितने होते हैं उसको नीचे। तुम लोग है ना खुश रहो, तुम लोग परेशान मत हो, तुम्हारा बस तुम लोग साथ बने रहो, तुम लोग साथ रहोगे तो मेरे अंदर शक्ति रहती है और फिर तुम विवेक से कुछ भी करवा लो, बस कभी कभी तुम लोग साथ नहीं देते थोड़ी दिक्कत आ जाती है। सोच नहीं सकता कितना मानता हूं आप लोगों को, मेरा छोटा भाई जिगर का टुकड़ा, 12th क्लास में जुड़वा, दो भाई हैं, 7 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा पिछले दिनों, पर आप यकीन नहीं करोगे मुझे, मतलब पता भी नहीं चला कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, टाइफाइड वगैरह कुछ हो गया था, मतलब घर वालों को था कि अगर उसको बताएंगे वो आएगा उसका वो खराब होगा, मैं कह दिया था कोई काम नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी जिस काम पे कर रहा हूं लोगों का इस बार एग्जाम क्लियर कराना है किसी भी कीमत पे। सोच सकते हो आप लोग, इतना ज्यादा आप लोगों को मानता हूं दिल से सच में, तभी इसीलिए खड़ा रहता हूं, सबसे कम पैसों में, सबसे कम पैसे लेता हूं मैं इस कंपनी से, सबसे कम, और फिर भी खड़ा रहता हूं, घर से इन्वेस्ट हो जाते हैं, मम्मी से ले लिए इतने सारे रुपए, तो मैंने, मम्मी भी कहती है कमा क्या रहा है, तो हमसे ले रहा अभी भी वापस इतना बड़ा होने पर। चलो शाबाश, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या कहते हैं, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। शाबाश, ए क्या कहते हैं बच्चा, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश, 4 क्वेश्चन और हैं बाबू, 15 हैं बस। ठीक है बच्चा, और थोड़ा क्लियर समझाऊंगा, डाउट नहीं रहने दूंगा। देखो कहीं कोई डाउट आए ना तो आप एक बार दोबारा कोशिश करना, और क्या होता है कि आप थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ो, मैं क्या कहता हूं केमिस्ट्री में आपको थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें थ्योरी सब कुछ है, थ्योरी समझने के लिए। गैस यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर, आग को बुझाने में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है इनमें से, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आग को बुझाने में। आग को बुझाने में कौन सी इस्तेमाल होती है गैस, बिल्कुल सही। अभी मैं बोलते बोलते बताया था कि कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन एक ईंधन है और ऑक्सीजन आग लगाती है, दोनों मिल जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत ज्यादा क्या होती है, हैवी गैस होती है, डेंसिटी भारी होती है, तो ये क्या करती है, जलती हुई चीज के ऊपर एक कवरिंग कर लेती है, ब्लैंकेट बना लेती है, और ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, और ऑक्सीजन नहीं आएगी तो चीजों का जलना बंद हो जाता है, तो आंसर क्या होगा इसका, कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी हाइड्रोजन तो खुद एक गैस फ्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी फ्यूल है, ऑक्सीजन तो क्या लग जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बुझा देती है आपको, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, बी कार्बन डाइऑक्साइड, हैवी होती है ये, गुड। नेक्स्ट, बस 2 क्वेश्चन और हैं सर, जल्दी लगा दीजिए। शाबाश, हमें गरम खाने की महक आ जाती है, हमें गरम खाने की डीओ की अगरबत्ती की महक आ जाती है किसके कारण, किसके कारण हमें दूर से
गरम खाने की महक आ जाती है। जब कुकर में खाना सीटी लग रही होती है, हम किसी घर के पास से गुजर रहे होते हैं, तो हमें महक आ जाती है ना। किसके कारण आ जाती है महक? बताइए। तो बेटा वो होता है डिफ्यूजन। किसके कारण आ जाती है? डिफ्यूजन। बताया था ना, डिफ्यूजन मतलब पार्टिकल मिक्स, विसरण। विसरण में क्या होता है कि जो खाने के पार्टिकल होते हैं उनका टेम्परेचर ज्यादा होता है, उनकी काइनेटिक ज्यादा होती है, तो काइनेटिक एनर्जी उनकी भी ज्यादा होती है, वो हवा के पार्टिकल्स के अंदर मिक्स हो जाते हैं। और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से दूर से चलते चलते भी बहुत जल्दी हमारे पास आ जाते हैं। इसलिए जो गर्म खाना होता है उसकी जो महक है हमें दूर से आ जाती है, जबकि ठंडा खाने के लिए हमें पास जाके सूंघना पड़ता है महक कि खाना अच्छा है या नहीं है। क्लियर है? तो आंसर नंबर सी, डिफ्यूजन सबसे ज्यादा गैस में होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और खाना गर्म है तो जाहिर सी बात है ज्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिए सर। डिफ्यूजन बिल्कुल सही, सी आंसर, सी ऑप्शन। ये आएंगे क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं सारे क्वेश्चन आएंगे, बस तुम भरोसे से पढ़ते रहो। तुम मानते नहीं हो, तुम पहले का भी तो क्वेश्चन देखो, सब आएंगे, बस तुम पढ़ते रहो। जितना बोर्ड पे गया है, मुंह से निकली है चीजें तुमने नोट की हैं, कुछ चीजें बोर्ड पे ना लिख के मुंह से निकल जाती हैं, सबको लिखो एक एक चीज को। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड डेट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कंपाउंड का वो सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है। बिल्कुल सही, बी मॉलिक्यूल, अणु। कौन सा रहता है? अणु, सबसे छोटा। बेटा टाइम इसलिए भी ज्यादा लगता है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं 15 क्वेश्चन में एक घंटा होता है तब भी हमें टाइम ज्यादा लगता है, इसीलिए। मॉलिक्यूल, अणु, बोला था ना कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल, एक कार्बन डाइऑक्साइड, दो पानी, दो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब दो वाटर मॉलिक्यूल, तो ये क्या रहता है? कंपाउंड का सबसे छोटा रूप, मॉलिक्यूल। और लास्ट क्वेश्चन आज का, समय इसलिए हमें ज्यादा लगता है, हम पढ़ते भी और साथ साथ क्वेश्चन भी करते हैं। अगर हम सिर्फ क्वेश्चन या करेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा, सिर्फ पढ़ेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाता है बच्चा। लास्ट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वॉटर, त्रिक बिंदु, पानी का जल का त्रिक बिंदु, तो इसको लिख लो अपनी कॉपी में। ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है, ट्रिपल पॉइंट, जहां पे कोई भी चीज सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अवस्थाओं में मिल सकती है, ठोस में भी पाई जा सकती है, द्रव में भी पाई जा सकती है और गैस में भी। तो पानी के लिए वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मैंने सेल्सियस में नहीं दिया, मैंने किस में दिया? वो मैंने दिया केल्विन में। 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है? 273 केल्विन के इक्वल। तो ऑप्शन नंबर ए, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी लिक्विड भी हो सकता है, पानी ठोस भी हो सकता है और पानी वाष्प, वाष्प भी हो सकता है, पानी वेपर गैस में भी हो सकता है। उस पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, त्रिक बिंदु। त्रिक माने तीनों, तीनों अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पानी के लिए होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जो मैंने केल्विन में दिया है आंसर आपको बहकाने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 273 केल्विन। क्लास कैसी लगी केमिस्ट्री की? आगे कैसा चाहते हो? इंपॉर्टेंट, थोड़ा इंपॉर्टेंट पहले कर लेंगे और जो बेसिक वैसा होगा कुछ और चक्कर एक्स्ट्रा उसे बाद में, कुछ भी टेंशन नहीं है। कमेंट करना बच्चा लोग, शेयर करना मत भूलना, तुम ही हो सब कुछ, नहीं करोगे तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारा ही नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं। शेयर और लाइक करना मत भूलना, कमेंट, लाइक और शेयर, कमेंट करके मुझे अपना स्कोर और अपने विचार जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे नए कॉन्सेप्ट। कल का होमवर्क ले जाओ, क्या क्या पढ़ाऊंगा? एसिड, बेस, सॉल्ट, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक, मतलब अम्ल, क्षार, नमक। एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, मॉलिक्यूल,
नंबर अणु क्रमांक आइसोटोप समस्थानिक समस्थानिक आइसोबार संभारिक ये सब पढ़ाऊंगा ठीक है। ये पांच छह टॉपिक होंगे कल इनके ऊपर क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करा रहा हूं क्वेश्चन बाबू परेशान मत होइए आप मैं अच्छे से कराऊंगा परेशान मत होइए ठीक है। फिर मिलते हैं कल ना 9 बजे अपना ख्याल रखिएगा खुश रहिएगा और जिंदाबाद रहिएगा। जय हिंद।